बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज राइट टाइम क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इन सभी वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं ये ठीक समय है या ये सही समय है, यानी इससे अच्छा वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। या कई बार हम कहते हैं काफी देर हो गया है, काफी वक्त हो गया है, जैसे बहुत वक्त हो गया है तुमको इंतजार करना छोड़ देना चाहिए, काफी समय हो गया है तुमको फोन कर लेना चाहिए, काफी समय हो गया है तुम्हें अब डेली के लिए निकलना चाहिए। तो फ्रेंड्स कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां कहते हैं काफी वक्त हो गया है, या किसी काम को करने के लिए एक सही वक्त है या प्रॉपर टाइम है को बोलने के लिए हम इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम और इट इज अबाउट टाइम का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं, इन सभी वर्ड्स के बाद आने वाला सेंटेंस सेकेंड फॉर्म से ट्रांसलेट होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मदद से अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। ये बात आप खास तौर पर याद रखेंगे क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। काफी वक्त हो गया तुमको इंतजार करना छोड़ देना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट वेटिंग, यानी काफी वक्त हो गया तुम्हें अब इंतजार करना छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लास्ट में आया चाहिए, फिर भी मैंने इस सेंटेंस में शुड का यूज नहीं किया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज राइट टाइम के बाद आने वाला सेंटेंस सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी सिर्फ सेकेंड फॉर्म के मदद से आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। काफी वक्त हो गया आपको उसे फोन कर लेना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू कॉल्ड हिम। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज अबाउट टाइम यू कॉल्ड हिम, इट इज राइट टाइम यू कॉल्ड हिम। काफी वक्त हो गया तुमको एक कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड अ बिजनेस। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं इट इज राइट टाइम यू स्टार्टेड अ बिजनेस, इट इज अबाउट टाइम यू स्टार्टेड अ बिजनेस, यानी बहुत वक्त हो गया तुमको एक कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, बहुत समय हो गया तुमको कॉलेज के लिए निकलना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट फॉर कॉलेज। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए बोल सकते हैं इट इज अबाउट टाइम यू लेफ्ट फॉर कॉलेज, और आप ये भी कह सकते हैं इट इज राइट टाइम यू लेफ्ट फॉर कॉलेज, यानी बहुत देर हो गया या काफी वक्त हो गया तुमको कॉलेज के लिए निकलना चाहिए, काफी वक्त हो गया तुमको अब शादी कर लेना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू गॉट मैरिड, इट इज अबाउट टाइम यू गॉट मैरिड, इट इज राइट टाइम यू गॉट मैरिड, यानी काफी वक्त हो गया अब तुमको ये काम कर लेना चाहिए, ये सही वक्त है तुम्हें बदला लेना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू टुक योर रिवेंज, इट इज अबाउट टाइम यू टुक योर रिवेंज, यानी बदला लेने का ये सही वक्त है, ये सही वक्त है तुमको इंग्लिश सीख लेना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू लर्न इंग्लिश, या इट इज अबाउट टाइम यू लर्न इंग्लिश, या इट इज राइट टाइम यू लर्न इंग्लिश, यानी ये बिल्कुल सही वक्त है तुमको ये काम करना चाहिए। हो सकता है कि आप सोचे कि मेरे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आया चाहिए और मैंने इंग्लिश सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद आने वाला सेंटेंस सेकेंड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। यह ठीक वक्त है या ये सही वक्त है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू वेंट देयर, इट इज राइट टाइम यू वेंट देयर, और इट इज अबाउट टाइम यू वेंट देयर, यानी ये बिल्कुल ठीक वक्त है तुमको वहाँ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज राइट टाइम क्या है।